गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी बता दीजिए, आपको आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए, आपको आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके जी, सबको जो है जी, सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ज़्यादा जो है पूरी इंडिया में मतलब इम्पॉर्टेंट त्यौहार है ये, ठीक है? तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जस्ट ए सेकंड, बस हम स्टार्ट करते हैं। जी गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जस्ट ए सेकंड, हाँ जस्ट ए सेकंड रुकिए, हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट अपने सेशन को। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है? और इस क्लास को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, और ये सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। जितने भी अभी आपके अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, सब में आपको हेल्प करेगा। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस होती हैं वो टेलीग्राम में चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे सारे लेक्चर्स, पीडीएफ्स, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे 1,42,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारी नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ से आपको मिल जाती है। कई बार YouTube से नोटिफिकेशन नहीं आता, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। Instagram के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई एग्जाम है आपका, डाउट्स हैं आपके, तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर आप ऐसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जितने भी हमारे जीएस के टॉपिक्स आते हैं, तो आप उसके लिए मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, और 10,000 एमसीक्यू कोर्स। इसमें हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो है ही है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे जो हैं आपके स्पेशल फोल्डर्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को मैंने यहाँ पे फोकस किया हुआ है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के बच्चे जो है यहाँ पे अलग अलग एग्जाम को है मतलब टैकल करके बनाए हुए हैं अलग अलग फोल्डर्स, ठीक है? और ये स्पेशल फोल्डर्स होते हैं, आपको पढ़ के जाने होते हैं एग्जाम से डेढ़ महीना पहले, तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है इस फोल्डर्स के साथ। और प्लस यहां पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है आपको, और प्लस आपको स्टैटिक जीके का पार्ट भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। स्टैटिक जीके जो है, मैं आज भी दो पार्ट डाल दिए हैं मैंने, तीसरा पार्ट भी मैं आज कोशिश करूंगा जल्दी लेके आने की, क्लियर? और आज इस कोर्स के अंदर, आज इस कोर्स के अंदर जो है डबल वैलिडिटी ऑफर है। डबल वैलिडिटी का मतलब यहां पे क्या है कि जैसे कि अगर आप इस कोर्स को एक साल के लिए परचेज करेंगे आज, तो ऑटोमेटिकली वो डबल वैलिडिटी बन जाएगी, यानी कि दो साल के लिए आपके पास वो उसकी वैलिडिटी रहेगी। मतलब वो कोर्स आप दो साल तक आप देख सकते हैं। तो आज डबल वैलिडिटी ऑफर है, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है, तो बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी, तो इसीलिए डबल वैलिडिटी ऑफर है हमारे दोनों कोर्सेज के ऊपर, 10,000 एमसीक्यू कोर्स के ऊपर भी और जीएस कोर्स के ऊपर भी डबल वैलिडिटी ऑफर है। और इसमें कोड लगा लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। विपन 30 इज द कोड, क्लियर? इन द 10,000 एमसीक्यू कोर्स। जीएस कोर्स की बात करता हूं, तो ये हमारा थ्योरी कोर्स है, इसमें ये कूपन कोड लगाना है, डिस्काउंट भी मिलेगा और डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। समझ आया? अब आप इन कोर्सेज को कहां से ले सकते हैं? दो जगह से, स्टडी आई क्यू ऐप से, जहां हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे ही इसको ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन, इस बटन को दबाना। जैसे ही आप दबाएंगे, जीएस कोर्स तीसरे नंबर पे दिखेगा, 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करें। मॉक टेस्ट हमारे आते कहाँ पे हैं? 10,000 एमसीक्यू कोर्स में।
पहले मैं स्टेट पीसीएस के लिए भी डालता था, लेकिन अब तो मैं हर एग्जाम को फोकस करके जो है इसमें मॉक टेस्ट डालता हूं। चलिए जी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। गवर्नर जनरल ने, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को माध्यम बनाया, हमारे इंस्ट्रक्शन का माध्यम बनाया है हमारे इंडिया में। देखिए जी, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश हमारे देश में पहली बार एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें इन्होंने बात करी थी कि हम इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर जो है सालाना 1,00,000 रुपया स्पेंड किया करेंगे, 1,00,000 रुपया खर्च किया करेंगे उसकी मतलब उसको बढ़ाने के लिए। पर उसके बाद जो है 1813 एक्ट में ये बात हुई, उसके बाद 1835 में हमारे भारत देश में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और उसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन रिकमेंड किसने किया था, रिकमेंडेशन बाय किसकी रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन बाय लॉर्ड मैकॉले। इसीलिए जो लॉर्ड मैकॉले हैं, इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इनको बोला जाता है। समझ आया, आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। विलियम बेंटिक जो है ये 1833 में पहली बार इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ आया, इंग्लिश को इंट्रोड्यूस इन्होंने किया, प्लस इन्होंने 1829 में सती प्रथा को भी खत्म किया था, सती प्रथा को भी खत्म किया था। और सती प्रथा को खत्म करने में कौन से भारतीय पर्सन इन्वॉल्व थे, वो थे आपके राजा राम मोहन रॉय। ऐसे ही राजा राम मोहन रॉय जो हैं इंग्लिश को भी सपोर्ट करते थे, तो ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति के सिद्धांत, इन्होंने 1848 में स्टार्ट किया, और पहली स्टेट जो कैप्चर करी थी डेट वॉज सतारा महाराष्ट्र में। बहुत सारी कैप्चर्स करी गई थी स्टेट, संबलपुर, जयपुर, झांसी, अवध को जो है इन्होंने कैप्चर किया था मेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अवध को कैप्चर किया गया था मेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि वहां पे सुशासन जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा, इसके लिए कैप्चर किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को समर कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया, ठीक है, और प्लस जो है रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट किया इन्होंने, और जो ट्रेन चलाई 34 किलोमीटर की ट्रेन रन करी थी फ्रॉम द बॉम्बे टू थाने। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी के लिए। और लॉर्ड डलहौजी ने विडो रिमैरिज एक्ट जो है ये स्टार्ट किया 1856 में, और इसको सपोर्ट किसने दिया था, विडो रिमैरिज को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जो है इसको सपोर्ट किया था कि हाँ विधवा की दोबारा से शादी होनी चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये वही पर्सन है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो जब हमारी देश कैपिटल शिफ्ट हुई थी दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई थी, अनाउंस हुआ था 1911 में, और हुई कब थी 1912 में, जब शिफ्ट हो रही थी तब लॉर्ड हार्डिंग के टू के ऊपर बम फेंका गया था, और बम किसने फेंका था, राज बिहारी बोस ने फेंका था, ये ध्यान रखना, जो बाद में जाके आईएनए के प्रेसिडेंट बन जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के, क्लियर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ले याद होगा, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि जो 1798 में स्टार्ट करी थी इन्होंने, और पहली स्टेट जो कैप्चर करी थी डेट इज हैदराबाद। समझ आया आप लोगों को, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, व्हाट वाज कामागाटामारू, कामागाटामारू वर्ड का जो मतलब है इसका क्या है, कामागाटामारू है क्या था, कामागाटामारू जो है एक इंसिडेंट हुआ था 1914 में, ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया से जा रहे थे कहां पे, कैनेडा, और मेनली पंजाब टू कनाडा। समझ आया, इसमें बहुत सारे पर्सन थे, और इनको जो है कनाडा उतरने नहीं दिया गया, और वापस इंडिया भेज दिया गया, और इंडिया में जब ये आए थे कोलकाता में आए थे, ठीक है, वापस कोलकाता में, तो कोलकाता में यहाँ पे सभी लोगों को गोलियां मार दी गई थी, और जगह का नाम क्या था, बज बज पोर्ट, क्लियर। इसीलिए जो ये बात कहते हैं कामागाटामारू, ये एक्चुअली एक क्या था, एक शिप था, दैट इज ये जापानी शिप था, एक जापानी शिप था ये, क्लियर, ये ध्यान रखना। और कामागाटामारू के जो मतलब वो थे, मतलब ऑनर थे, वो कौन थे, भाई गुरदित सिंह,
सो ही वॉज द ओनर ऑफ द कामागाटा मारू जहाज. क्लियर जी. आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर. यस बिल्कुल सही जी. आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. एक्चुअली क्या था कि हमारे जो इनकी एक्टिविटीज है ना, जो गदर पार्टी की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं देश में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पूरे पूरे चांसेस बने पड़े थे वहां पे, ठीक है, और हो रही थी, और इंडिया भी कुछ ना कुछ डिमांड करता रह रहा था, कुछ ना कुछ हो ही आ रहा था. टर्की के सुल्तान को हटा दिया गया था, लोग भड़के हुए थे, और कुछ ना कुछ इंसिडेंट चली जा रहे थे यहाँ पे, कामागाटा मारू. चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए. एलिफेंटा केव्स जो हैं ये कहाँ पे हैं? यस एलिफेंटा केव्स जो हैं ये कहाँ पे हैं? एलिफेंटा केव्स जो हैं वो हैं महाराष्ट्र में. आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. आंसर नंबर ए. यस जी. आंसर नंबर वन महाराष्ट्र. और एलिफेंटा केव्स बनवाई किसने थी? राष्ट्रकूट वंश ने बनाई थी. और यहां पे एलिफेंटा केव्स में त्रिमूर्ति है, शिव भगवान की त्रिमूर्ति है. और इस त्रिमूर्ति वर्ड का मतलब क्या है? जिसमें एक है प्रिजर्वर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर. मतलब एक बनाने वाला और इसको एक बचाने वाला और एक खत्म करने वाला. तीनों फेसेस के मतलब हैं, बनाने वाला, खत्म करने वाला और बचाने वाला, तीनों के फेसेस के मतलब है यहां पे. समझ आया? सो त्रिमूर्ति यहां पे देखने को मिलती है शिव भगवान की देखने को मिलती है त्रिमूर्ति. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं, इनके संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग. क्लियर. और एक जो है राष्ट्रकूट वंश की कैपिटल का नाम क्या था? दैट इज मान्या खेता. कैपिटल नेम इज मान्या खेता. किसकी? एलिफेंटा केव्स की. मान्या खेता को कैपिटल बनवाया किसने था? अमोघ वर्ष ने बनाया था. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर. दैट इज यस बिल्कुल सही. महाराष्ट्र इज द राइट वन. महाराष्ट्र, अगर मैं महाराष्ट्र के लिए बात करता हूं और, तो वो क्या है और कर सकते हैं हम? अजंता केव्स हैं यहां पे. अजंता केव्स सारी की सारी बुद्धिस्ट केव हैं. और यहां पे प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान लिखे गए हैं, यानी कि जातक टेल्स के बारे में लिखा गया है यहां पे. और एक है यहां पे महाराष्ट्र में अजंता के अलावा कौन सी है? एलोरा केव्स है यहां पे. वो कितनी है? 34 हैं, जिसमें से जो है 17 जो है आपकी किसके लिए है? ब्राह्मणिज्म यानी कि हिंदुइज्म के लिए. 12 जो हैं बुद्धिस्ट के लिए हैं, बुद्ध धर्म को मतलब बात करती हैं. और 5 जो हैं वो जैन धर्म के लिए बात करती हैं. सो ऑल दीज आर 34 केव्स. ये आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर. आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर. उड़ीसा में एक चीज है आपकी, क्या? उदयगिरी हिल्स, खांडगिरी हिल्स, ध्यान रखना. और उड़ीसा में एक आपकी है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है, जो कि किसके लिए है? खारवेल राजा की इंस्क्रिप्शन है, खारवेल की. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. क्लियर, याद रखना है चीजें. राजस्थान छोड़ो, और चलो राजस्थान में आपको याद कर लो, जो केवला देव जो है आपकी जो है डेट इज नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है. और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व. सिक्किम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्किम पहली ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट रही है, मतलब खुले में शौच ना करने वाली पहली स्टेट सिक्किम. सिक्किम पहले देश की ऑर्गेनिक स्टेट भी रही है. क्लियर. और सिक्किम हमारे देश का 22वां राज्य बना था. कब? 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र अगला बताइए. हाँ, ऐसे तो यार पढ़ने को, मैंने आपको कहा ना कि पढ़ने को राजस्थान में बहुत सारी चीजें हैं, सांबर लेक वगैरह जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट होता है ना कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने 2-4 पॉइंट आपको और बता दिए. पढ़ने को राजस्थान बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा राजस्थान है. द लैंग्वेज इन विच बुद्ध प्रीच्ड, भाषा बताइए जो बुद्ध भगवान की है, जिसमें उन्होंने प्रीचिंग करी, उपदेश दिए. पहला उपदेश इन्होंने कहां पे दिया था? सारनाथ में. और कितने लोगों को दिया था? 5 अपने अनुयायियों को दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है. और इस वर्ड का मतलब होता है द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ. This is very very important. Turning off wheel of law.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। पांच लोगों को दिया था और इन्होंने जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में ही दिए थे, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पाली भाषा को ये यूज करते थे, आंसर नंबर सी। अब बात यहां पे ये है कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, मैक्सिमम उपदेश कहां पे दिए थे इन्होंने, मैक्सिमम उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, श्रावस्ती इज ऑल्सो इन द यूपी, श्रावस्ती इज ऑल्सो इन द यूपी। श्रावस्ती को आपको कंफ्यूज नहीं करना शरावती के साथ, ध्यान रखना श्रावस्ती को जो है आपको श्रावस्ती को कंफ्यूज नहीं करना श्रावती रिवर के साथ, क्योंकि यहां पे श्रावती रिवर के ऊपर आपके जो फॉल देखने को मिलते हैं, जॉग फॉल देखने को मिलते हैं, महात्मा गांधी फॉल और गरसोप्पा फॉल देखने को मिलते हैं कर्नाटक में, दैट इज अ डिफरेंट वन, ठीक है। वो रिवर है और श्रावस्ती एक जगह है, कहां पे, यूपी में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बुद्ध भगवान वर्ड का मतलब ही क्या होता है, बुद्ध वर्ड का मतलब क्या होता है, इनलाइटेंड वन, जिसको निर्माण प्राप्ति हो चुकी हो, क्लियर। और बुद्ध को हम और क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया, जहां पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वहां पे रुमनदेई पिल्लर है, रुमनदेई पिल्लर है जो अशोक ने बनवाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और उसके बाद जो है इनकी तीन पुस्तकें हैं वो भी पाली भाषा में लिखी गई हैं, विनयपिटक सुतपिटक और अभिधाम पिटक, ठीक है। ये तीनों पुस्तकें जो हैं बुद्ध धर्म को बात करती है, विनयपिटक लिखी थी उपाली ने, सुतपिटक लिखी थी आनंद ने, और अभिधाम पिटक जो लिखी थी वो लिखी थी मोगलिपुत्तिस ने लिखी थी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। ये विनयपिटक और सुतपिटक जो है पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई थी, और ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में, करवाई किसने थी, अजातशत्रु ने करवाई थी, और महाकश्यप वॉज द चेयरपर्सन। और ये अभिधाम पिटक जो लिखी गई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई थी, जिसमें जो अशोक ने करवाई थी, मोगलिपुत्तिस इज द चेयरपर्सन, और ये हुई कहां थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, पाली भाषा। पाली भाषा जो है वो लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी, रुमनदेई पिल्लर इंस्क्रिप्शन है जो बात करती है किसके लिए, गौतम बुद्ध जी के जन्म के जन्म स्थान के लिए। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा राजा है जिन्होंने वातापी कोंडा का टाइटल लिया था, इनमें ऐसा कौन सा राजा है जिन्होंने वातापी कोंडा का टाइटल लिया था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, वातापी कोंडा का जो टाइटल है वो पुलाकेसिन टू को हरा के लिया गया था, जो चालुक्य वंश का राजा था, क्योंकि चालुक्य वंश की कैपिटल क्या थी, वातापी और बादामी, ये आपको पता है। और ये टाइटल किसने लिया था, नरसिम्हा वर्मन वन ने लिया था, तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। और नरसिम्हा वर्मन वन जो है ये पल्लव वंश का एक राजा है, पल्लव वंश किंग है ये, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि पुलाकेसिन टू ने हर्षवर्धन को भी हराया था, हर्षवर्धन को जब हराया था तो एहियोल इंस्क्रिप्शन थी आपकी, क्लियर, और ये लिखी थी रविकृति ने, और इस लड़ाई में इसका वर्णन किया गया है, इस इंस्क्रिप्शन में हर्षवर्धन और पुलाकेसिन टू की लड़ाई का वर्णन किया गया है, तो आंसर नंबर क्या बनने वाला है आपका, ए इज द करेक्ट आंसर, पल्लव वंश, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पे है आपके पल्लव की टेरिटरीज जो है यहां पे होती थी, ठीक है, पल्लव वंश की टेरिटरी जो है यहां पे होती थी, जिसको मैंने रेड किया अभी, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है जी, ये क्वेश्चन जो है आपको यूपीएससी में भी पूछा गया है जी, बताइए बताइए, शाबाश। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बुद्ध भगवान के बाद जो आने वाले बुद्ध होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बुद्ध भगवान के बाद जो बुद्ध आने वाले होंगे उनको क्या कहेंगे, जाने का मतलब उनके इनकार्नेशन जो है उसे क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध जी के इनकार्नेशन को, तो उसे हम कहते हैं मैत्रेय। सो मैत्रेय एक्चुअली इज फ्यूचर बुद्ध कहते हैं, फ्यूचर बुद्ध, आने वाले बुद्ध भगवान, समझ आया आप लोगों को जी, फ्यूचर बुद्ध इज द राइट आंसर, दैट इज मैत्रेय जी जी जी, क्लियर। हाँ, पेपर में ये फ्यूचर बुद्ध मैत्रेय वर्ड से भी आ सकता है आपको, वैसे तो आंसर इज बी, लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि इनको और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, वो कौन से नाम है आपके, जैसे कि आपका अजीत,
बोधिसत्वा, अजीत बोधिसत्वा, ठीक है, अमिताभ सूत्र, अमिताभ सूत्र एंड लोटस सूत्र, ये जो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं इनके नाम का भी वर्णन करते हैं फ्यूचर बुद्ध के लिए। मैत्रेय तो कहते ही कहते हैं, मैत्रेय अगर नहीं आता तो अजीता बोधिसत्वा, अमिताभ सूत्र और लोटस सूत्र वर्ड भी आ सकता है आपको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यस, बी ऑप्शन मैत्रेय इज द राइट आंसर, मैत्रेय। अगला बताइए, अगला बताइए जी। अगला बताइए, शाबाश। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है ये किसके टाइम पे आपको देखने को मिला था, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स जी, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स आपको कब देखने को मिला था? देखिए जी, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली ये मतलब ये किसके टाइम पे आया था, कनिष्क के टाइम पे देखने को मिला था, कनिष्क जो कुषाण वंश का राजा है। अब बात यहां पे यह है कि कनिष्क के टाइम पे ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है जैसे ग्रेट सैंडस्टोन यूज करते थे मूर्तियों वगैरह में, ग्रेट सैंडस्टोन, क्लियर, जैसे बुद्ध भगवान की बहुत सारी जो मूर्तियां हैं वो ग्रेट सैंडस्टोन में बनी हुई हैं और वहां पे जो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, स्माइल बनाई गई है और घुंघराले हेयर बनाए गए हैं, बॉडी प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनाई हुई है जिसमें उनके प्रॉपर जो है मतलब हर चीज वो प्रॉपर आपको दिखती है, दैट इज कॉल्ड अ गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स। एक था आपका गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स के अलावा था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में ये भी कनिष्क के टाइम पे आया था जो कि आपका रेड सैंडस्टोन देखने को मिलता है, रेड सैंडस्टोन में। यही आपका डिफरेंस है किसमें, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स में और आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स में, कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स में ग्रे सैंडस्टोन है, मथुरा स्कूल आर्ट्स में रेड सैंडस्टोन जो है यूज होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया आप लोगों को। और ये आपका देखने को मिला था महायान सेक्ट के मतलब महायान सेक्ट में देखने को मिला था, आंसर नंबर बी, क्योंकि जो महायान सेक्ट है ये क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इमेज वर्शिप करते हैं, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो जी 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 जी, आंसर नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो महायान सेक्ट वाले लोग हैं यही क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इमेज वर्शिप करते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है हीनयान और महायान, ये दोनों जो डिवाइड हुए थे कौन सी काउंसिल में हुए थे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो कश्मीर में हुई थी और कनिष्क ने करवाई थी और वासुमित्र वाज अ चेयरपर्सन, अश्व घोष वाज अ डिप्टी चेयरपर्सन और ये डिवाइड हो गए हीनयान और महायान में, ये ध्यान रखना। महायान जो है जो नॉर्थ की साइड पे है वो महायान है, हीनयान जो है वो साउथ की साइड के ऊपर है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्लियर हो गया आप लोगों को जी। आंसर नंबर बी बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं बुद्ध धर्म का प्रचार करने की, अगर हम बात करें तो बुद्ध धर्म का प्रचार बहुत सारे लोगों ने किया है, जैसे अशोक, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को कहां पे भेजा था, श्रीलंका सिलोन भेजा था कि वहां पे अपना बुद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, तो इन्होंने साउथ में किया। और एक था कनिष्क जिसे हम दूसरा अशोक कहते हैं, और इन्होंने क्या किया था, चाइना जापान कोरिया यहां पे बहुत सारे लोगों को भेजा था बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, समझ आया आप लोगों को। तो इस तरीके से बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ है डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए कि कौन सा ऐसा पर्सन है, कौन सा ऐसा वंश है जिसने लास्ट तक एंड में बिल्कुल बुद्ध धर्म का प्रचार उसके बाद हुआ ही नहीं, कौन सा वंश था, दैट इज द लास्ट पैटर्न्स ऑफ द बुद्ध धर्म, दैट इज पाल वंश। पाल वंश जो थे ये सबसे लास्ट वाले राजा थे जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महायान सेक्ट इज द करेक्ट वन, महायान सेक्ट। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन देखिए। हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल मूव करी थी कहां से कहां तक, उन्होंने कैपिटल मूव करी थी थानेश्वर से कन्नौज की तरफ, आंसर नंबर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। अब हर्षवर्धन ने कैपिटल करी थानेश्वर से कन्नौज, थानेश्वर जो पड़ता था हरियाणा में पड़ता था और कन्नौज यूपी में, ये क्लियर हो गया। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के ऊपर लिखी हुई है हर्षचरिता, इनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी, भानभट्ट, जो इनका कोर्ट पोएट था, भानभट्ट जो है लेखक है, और भानभट्ट ने इसके अलावा कौन सी पुस्तक लिखी थी, कदंबरी, कदंबरी पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, क्लियर हो गया। हर्षवर्धन एक खुद लेखक भी हैं, हर्षवर्धन खुद लेखक भी हैं, वो इन्होंने लिखी है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका
नागानंद, नागानंद और रत्नावली ये पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। हर्षवर्धन के टाइम पे एक चाइनीज पिलग्रिम आया था जिसे हम क्या कहते हैं, कौन है वो, ह्यूनसांग। ये ह्यूनसांग जो है इसे हम और किस नाम से जानते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये वही पर्सन है जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई भी करी थी, मतलब बुक्स वगैरह बुद्धिस्ट लिटरेचर वगैरह को भी पढ़ा था। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। बाकी हर्षवर्धन की लड़ाई तो मैंने बताई दी है, पुलकेशिन टू वाली, वो तो आपको क्लियर ही है। अब यहां पे लिखा हुआ दिल्ली टू देवगिरी या फिर दिल्ली टू दौलताबाद, ये भी कह सकते हैं हम लोग। ये कैपिटल शिफ्ट किसने करी थी, ये कैपिटल शिफ्ट करी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट करी थी कैपिटल, जिन्हें हम वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्योंकि पांच कारण थे वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया के कहने के, पहले कैपिटल शिफ्ट करना, दूसरा टोकन करेंसी इशू करना जो लोगों ने घर पे बनानी स्टार्ट कर दी थी, तीसरा जो है दोआब रीजन के अंदर डबल टैक्स लगा दिया, चौथा इराक के ऊपर अटैक करने की बात करी लेकिन करी नहीं, पांचवा जो है जो कुमाऊं हिल्स के ऊपर अटैक किया था जो इनके लिए वर्स्ट साबित हुआ था, क्लियर। सो ये सारी चीजें इनके कारण बोली जाती हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्होंने इबन बतूता, इनके दरबार में इबन बतूता नाम का एक व्यक्ति आया था जो कहां से आया था, मोरक्को से आया था, और इसको अपॉइंट क्या कर दिया था, काजी ऑफ दिल्ली। काजी ऑफ दिल्ली, काजी का जो फंक्शन होता था वो जुडिशियल एक्शन प्ले करना होता था, जिसमें सजा वगैरह देना ये वो सब चीजें जुडिशियल एक्शन रोल प्ले करता था। इबन बतूता जो है इसके लिए एक पुस्तक लिखी थी, रहला और सफरनामा, ये पुस्तकें जो हैं इन्होंने जब सफर किया था तब ये लिखी थी, क्लियर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। अगला बताइए, हु एस्टैब्लिश्ड द महाबलीपुरम। यस, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, मबालपुरम एक वर्ड है जो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो है ये किसने बनवाया था, ये पल्लव वंश के राजा नरसिम्हावर्मन वन ने बनाया था, नरसिम्हावर्मन वन ने। ममालपुरम, महाबलीपुरम, पल्लव वंश के राजा नरसिम्हावर्मन वन ने बनाया था। यस, बिल्कुल सही, क्लियर हो गया आप लोगों को। क्योंकि पल्लव वंश के राजा नरसिम्हावर्मन वन का जो फेवरेट मतलब वो था गेम था, वो था रेसलिंग, क्लियर, रेसलिंग। इसीलिए इसको महामाल जो है आपका ममाल वर्ड यूज करते थे, इसका मतलब होता है ग्रेट रेसलर, ग्रेट रेसलर होता है इसका वर्ड का मतलब। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, यस बिल्कुल सही। और ये महाबलीपुरम जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी देखने को आपको मिलता है। चोल वंश की अगर हम बात करते हैं तो इनके राजा कौन है, विजयाल्या फाउंडर, और इनके पास एफिशिएंट नेवी थी जिसके कारण ये रूल कर पाए। राजराज चोल वन ने जो है आपका मंदिर बनवाया था, दैट इज राजराजेश्वर टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। पांड्यास की अगर मैं बात करता हूं तो पांड्यास की जो आपकी फिश वॉज द एम्बलम, और पांड्यास की बात करते हैं फिश वॉज द एम्बलम, और इनके ये जो है मेनली पर्ल्स के साथ डील करते थे, मोतियों के साथ डील करते थे ये, क्लियर, बिजनेस वगैरह जो कहते हैं। चालुक्य वंश मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, वातापी कोंडा वाला टाइटल जो है नरसिम्हावर्मन वन ने लिया था, इसको हरा के, पुलकेशिन टू को हरा के। और चालुक्य वंश की कैपिटल इज वातापी और बादामी। चलिए अगला आंसर बताइए, जी अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकवेटेड इन द इंडस वैली विच वन इंडिकेट द कमर्शियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हमें बताती है कि हाँ वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, द पोट्री बताती है या कोई और चीज बताती है, यस बताइए जी। आपको मैं बता दूं यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिलती थी, बिजनेस होता था, वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता था। जैसे कि अगर मैं मेसोपोटामिया के साथ बात करता हूँ, ठीक है, सुमेरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे बिजनेस चलते थे, इनके आपस में डील करते थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करते थे, ईरान इराक वगैरह, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इट मीन्स ये जो है ये मतलब फॉरेन बिजनेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स पहली बात तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो किस टाइप के लोग हैं, ये अर्बनाइज्ड है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अर्बनाइजेशन का
प्रोसेस पहली बार कहां पे देखने को मिला? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आपको देखने को मिला। अब बात यह है कि इनकी एक्टिविटीज जो होती थी वो मोहरों के साथ होती थी, सील्स के साथ होती थी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। नो डाउट कि हाँ यहां पे एग्रीकल्चर भी था, पेस्टोरल जो है ये सारी चीजें होती थी, बट मेन वॉज द आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला चलना, ठीक है। नो डाउट कि एग्रीकल्चर होता था, वीट और बार्ले, गेहूं और जौ जो है सबसे ज्यादा उगाए जाते थे। हाउसेज भी अच्छे थे, पक्के हाउस बने होते थे, जैसे आजकल के हाउस हैं वैसे ही। पानी के लिए एग्जिट होता था और प्रॉपर रेक्टेंगल स्क्वेयर शेप में आपके घर होते थे, पूरे लाइन से घर होते थे, दूसरी साइड भी घर होता था, बीच में एक सड़क होती थी, प्रॉपर तरीके से वैसे ही है। जैसे आजकल हम FCI के ग्राउंड्स कह देते हैं कि जहां पे हमारा खाना रिजर्व रहता है, तो यहां पे इनकी ग्रीनरीज होती थी जो रिजर्व रहती थी, क्लियर। आभूषण वगैरह बहुत सारा डील करते थे, सब चीजें चलती थी, पोल्ट्री भी बनाते थे ये, ठीक है, और जो है पोल्ट्री भी बनाते थे, कलर्ड पोल्ट्री बनाते थे ये, बोर्ड्स वगैरह सब चीजें आपको देखने को यहां पे मिली हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी, सील्स इज द करेक्ट आंसर, सील्स ऑप्शन, क्लियर। चलिए अगला बताइए जी। गौतम बुद्ध जी जो हैं वो किस धर्म के साथ बिलोंग करते थे, मतलब कौन से वंश के साथ बिलोंग करते थे? मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध वर्ड का मतलब ही क्या है, दैट इज एनलाइटेंड वन, जिन्हें निर्वाण प्राप्ति हो चुकी हो। गौतम बुद्ध जी की माता का नाम था महामाया, जो इनको जन्म देते ही मर गई थी, ठीक है, इनका देहांत हो गया था। महामाया के बाद इनकी स्टेप मदर थी गौतमी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी ने जो है इनको संभाला था और इनको बड़ा किया था, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पे जो गौतम बुद्ध जी हैं जी, सिद्धार्थ, सॉरी इनका नाम था, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोदन, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोदन, ठीक है। तो ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, गौतम बुद्ध जी के नाम के आगे गौतम वर्ड लगा हुआ है, ये जो गौतम वर्ड है ना, ये गौतम वर्ड है इनकी माता के नाम पे है। सो दैट मीन जब गौतम बुद्ध जी जन्म लिया था तो उस टाइम पे मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैट्रियार्कल का मतलब जो माता के नाम से ही आगे वंश चल रहे हैं और माता का सम्मान है, लेडीज का सम्मान है यहाँ पे, तो मैट्रियार्कल सोसाइटी है यहाँ पे, पहली बात। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो देखिए पहले क्या होता था, सिर्फ जो मेल्स होते थे ना, मेल्स को जो है ये जाने देते थे, भिक्षु बनते थे, क्लियर, जो भी चीजें हैं मेल होते थे, लेकिन बाद में फीमेल्स को भी एंटर करवा दिया गया था। और फीमेल्स जब वो धर्म को अपनाती हैं, जो सादगी वाला जीवन जीती हैं, साधुओं वाला जीवन जीती हैं, तो उनको कहते थे बिखुनी, बिखुनी वर्ड यूज किया जाता था। तो पहली बिखुनी जो बनी थी वो कौन बनी थी? महाप्रजापति गौतमी, ये ध्यान रखना, पहली बिखुनी जो बनी थी वो थी महाप्रजापति गौतमी, क्लियर हो गया आप लोगों को। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ये प्रोसेस था, ये बिखुनी वाला जो प्रोसेस था, यानी कि लड़कियों को धर्म में लेके आइए और उनको उनका सम्मान बढ़ाइए सोसाइटी में, ठीक है, तो ये किसने बोला था, किसके कहने पे गौतम बुद्ध जी ने अलाउ किया था? आनंद के कहने पे। ये आनंद वही है जिनको, ये आनंद जो है बहुत प्यारा शिष्य है गौतम बुद्ध जी का, और प्लस आनंद वही है जिसने पुस्तक लिखी थी उपाली, सॉरी इन्होंने पुस्तक लिखी थी सुतपिटक, सुतपिटक जो पहली बुद्धिस्ट टेक्स्ट था आपका, विनयपिटक और सुतपिटक में, सुतपिटक इन्होंने लिखी थी, क्लियर। और आनंद वही है जो पांच लोग थे ना जिनको पहला उपदेश मिला था, उन पांच लोगों में से एक आनंद भी था। तो ये ध्यान रखना, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, शाक्य क्लैन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए जी। जी शाबाश। कलमकारी पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि कलमकारी पेंटिंग का मतलब क्या है। कलमकारी पेंटिंग जो होती थी, पहली बात तो कॉटन के ऊपर होती है, ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें नेचुरल डाइज यूज करते हैं, नेचुरल डाइज, और ये मेनली हमें देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हमें देखने को मिलती है, दैट इज कलमकारी पेंटिंग। So what is this? So this is a hand-painted cotton textile in the South India. Yes, बिल्कुल सही, South India में, आंध्र प्रदेश और तमिल तेलंगाना में देखने को मिलती है। Answer number one is the correct answer. Yes. चलिए जी
आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन। सो दिस इज द कलमकारी पेंटिंग। अगला बताइए, चचनामा रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ विच कॉन्क्वेस्ट। चचनामा जो है इसको हम और क्या कहते हैं, फतेहनामा सिंध, फतेहनामा सिंध भी कहते हैं, ठीक है, फतेहनामा सिंध भी कहते हैं, तारीकल तारीख अल हिंद भी कहते हैं, और ये बताते हैं कि जो कासिम है वो आया था भारत में पहली बार, ठीक है, कासिम का जो अटैक आया था मोहम्मद बिन कासिम का 1712 में, जो हमें बताता है हिस्ट्री सिंध के बारे में और इनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में, और ये किसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताता है, हमें अरब के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताता है, क्योंकि 712 ईडी में कासिम आया था, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तारीख हिंद जो है ये लिखी किसने थी, डेट इज अलबरूनी, अलबरूनी ने लिखी थी, डेट इज तारीख हिंद। क्लियर हो गया आप लोगों को, अलबरूनी ने लिखी थी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अरब इज द राइट आंसर, अरब। हिस्ट्री ऑफ सिंध दैट इज चचनामा। अगला बताइए, जेंड अवेस्टा इज द सेक्रेट बुक ऑफ द, जो जेंड अवेस्टा है ये किसकी जो है सेक्रेट बुक है, किसकी पवित्र पुस्तक है ये, तो पारसीस की पवित्र बुक है ये, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। ये वही पुस्तक है जिसमें जो आपके वो थे डेट इज आर्यंस, आर्यंस के बारे में भी वर्णन किया गया है कि आर्यंस कहां से आए थे, जेंड अवेस्टा बुक में लिखा गया है कि ये कहां से आए थे, ईरान से आए थे। समझ आया आप लोगों को कि आर्यंस जो ईरान से आए थे वो जेंड अवेस्टा पुस्तक, पारसी जो लोगों की पुस्तक है सेक्रेट बुक है उसमें लिखा गया है, इसके बारे में वर्णन किया गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ईरान की कैपिटल का नाम क्या है, तेहरान, ईरान की कैपिटल का तेहरान इज द नेम, समझ आया। और अगर आपसे पूछा कि आर्यंस आए कहां से थे, सो सेंट्रल एशिया से, ये सेंट्रल एशियन थ्योरी किसकी जो फेमस थी, दैट इज अ मैक्स मुलर, मैक्स मुलर की ये थ्योरी जो सबसे हिट साबित हुई थी, क्योंकि एक पर्सन थे जैसे बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि कहां से आए थे, वो आर्कटिक ओशन से आए थे, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था आर्कटिक ओशन से आए थे, लेकिन सबसे जो बेस्ट थ्योरी मानी जाती है वो मैक्स मुलर की थ्योरी मानी जाती है, सेंट्रल एशियन थ्योरी, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम वॉज बिल्ड बाय द पीपल ऑफ। ड्रेनेज सिस्टम जो है पहली बार किसने बनाया था, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि पानी का निकास होना, पानी बाहर जाना, तो डेट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहली बार जो बनाया गया था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ने बनाया था, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था ना कि प्रॉपर तरीके से पानी एग्जिट होता था, जो धोलावीरा इलाका है उसमें भी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करी गई है, जो गुजरात में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये ऐसा इलाका है जो पहली बार, यहाँ पे भी आपकी कॉटन, कॉटन उगाने वाले पहले जो बने थे वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले बने थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, कांस्य युग, और क्योंकि कांस्य युग होने स्टार्ट हो गया था, कॉपर प्लस टिन से मिलके बनता है 90+10 की रेशियो में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं हम चाहे मूर्तियों से, सिक्कों से, ठीक है, किसी भी चीज़ से हम फाइंड आउट करते हैं, जो भी इसके हमें चीज़ें मिलती हैं उससे, मूर्तियों वगैरह से, और जो खोद के एक्सकवेट करके सब चीज़ें जो मिलती हैं हमें उससे हम पता करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखित कुछ नहीं है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिक। क्लियर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और पहली साइड आपकी डिस्कवर करी गई थी हड़प्पा, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हो रही थी वो इजिप्ट वाली भी हो रही थी, चाइना वाली भी हो रही थी, और मिसोपोटामिया वाली भी हो रही थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से होती थी, टाउन प्लानिंग जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताए थे, ठीक है, टाउन प्लानिंग होती थी, और प्रॉपर तरीके से जो है कलर्ड पोल्ट्री का इस्तेमाल करते थे, गेहूं और जौ वगैरह उगाते थे, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे लेवल पे होता था, लेकिन मेनली वॉज अर्बनाइज्ड। अर्बनाइज्ड का मतलब यहां पे ये है कि बिजनेस होता था, घर बने हुए थे, पक्के घर थे, जैसे शहर वाले इलाकों में जाके देखिए घर प्रॉपर तरीके से वैसे ही घर थे, लोगों का रहन सहन वो सब चीजें वही थी। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द करेक्ट वन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला बताइए,
क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखी थी, अकबरनामा जो पुस्तक है वो लिखी थी अबुल फजल ने, अबुल फजल ने आईने अकबरी भी लिखी है और आपकी डेट इज अकबरनामा भी लिखी है। एक्चुअली ये अकबर के बारे में वर्णन करते हैं और अबुल फजल जो है ये पोइट है, कवि है, अकबर के दरबार में और नवरत्न में भी आता है ये। नवरत्न जो नाइन लोग थे, बड़े हिट लोग थे जो अकबर के दरबार में रहते थे, उसमें फैजी भी उसमें आता था, अब्दुल रहीम खाने खाना भी उसमें आता था, तो ये तीन लोग तो आते थे नवरत्न में। क्लियर, जैसे जो है बीरबल भी थे, मुला दो प्याजा थे, ठीक है, राजा मान सिंह थे, महेश दास थे, ठीक है, बीरबल था वो, बीरबल महेश दास, क्लियर, रामतनु पांडे थे, तानसेन थे, तो ये सारे लोग आते थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, अब्दुल फजल। ये फैजी जो है, फैजी ने एक पुस्तक थी लीलावती, उसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन भाषा में, लीलावती को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया था। और ये लीलावती पुस्तक जो है एक्चुअली ये संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई थी आपकी लीलावती, और लीलावती संस्कृत में, और किसने लिखी थी, भास्कराचार्य ने, भास्कराचार्य ने लिखी थी, भास्कराचार्य ने लिखी थी लीलावती, और उसको पर्शियन भाषा में किसने लिखा था, फैजी ने लिखा था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों भाई हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना, आपको याद होगा इसने जो जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है बाबरनामा, उसको पर्शियन भाषा में तब्दील किया था, फारसी भाषा में, क्लियर। और जो बाबर है वो पहला ऐसा राजा है जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अब्दुल कादिर, एक्चुअली अब्दुल कादिर जो नाम है ये अब्दुल कादिर बदौनी है, अब्दुल कादिर बदौनी, जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं बदौनी वर्ड पढ़ते हैं, अब्दुल कादिर बदौनी है जिन्होंने रामायण और महाभारत का पर्शियन भाषा में वर्णन किया था, फारसी भाषा में। समझ आया, महाभारत को फारसी भाषा में हम कहते हैं रजमनामा, ये ध्यान रखना है आपको, रजमनामा। तो डेट मीन्स रजमनामा वॉज रिटन बाय द बदौनी। क्लियर हो गया आप लोगों को। रामायण की बात करते हैं तो रामायण वेद व्यास जी ने लिखी है, सॉरी वाल्मीकि जी ने लिखी है। रामचरित मानस के ऊपर बात करते हैं तो तुलसीदास जी ने लिखी है, क्लियर, अवधि भाषा में। साउथ की रामायण लिखी है कंबन ने लिखी है। और महाभारत की बात करें, सबसे बड़ा महाकाव्य है, द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, और महाभारत को जय संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। और बाकी ये वेद व्यास जी ने लिखी है, बाकी आपको बता दिया, रजमनामा वगैरह के बारे में बता दिया मैंने। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, अबुल फजल। अगला बताइए, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, ये सेम क्वेश्चन मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको बताया था। सो जिसने सिंध को जो किया था, जिसमें चचनामा के बारे में, चचनामा जो है वो पुस्तक है आपकी सिंध के ऊपर अटैक करने की अरब्स ने, उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में, 712 में, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट पर्सन और भी हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम है मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का गुलाम है ये। मोहम्मद गोरी एक ऐसा राजा है जिसने बोला था कि हम लूटपाट भी करेंगे और अपना यहाँ पे जो है लोगों को भी बसा के जाएंगे, यानी कि यहाँ पे अपना जो है वंश भी स्टार्ट करेंगे, मतलब डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे, क्लियर। कुतुबुद्दीन ऐबक वो है जो स्लेव है किसका, मोहम्मद गोरी का, इसीलिए स्लेव डायनेस्टी भी स्टार्ट करता है, जिसे हम इलबरी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये राजा बनता है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा, और इसकी कैपिटल जो होती है लाहौर है, मैक्सिमम टाइम लाहौर में ही रहता है ये, और इसकी डेथ भी लाहौर में हो जाती है, और ये चौगान खेलते खेलते, चौगान चौगान मतलब पोलो खेलते खेलते इसकी डेथ हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा, द पहली मुस्लिम बिल्डिंग जो है दिल्ली में बनाई थी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, पहली मुस्लिम बिल्डिंग इन्होंने बनाई थी, क्लियर। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया था, और बख्तियार काकी जी के नाम पे, ख्वाजा बख्तियार काकी जी के नाम पे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इनको लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, लाख बख्श के नाम से भी इनको जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी, इनका नाम है अली गुरशप, ओरिजिनल नेम क्या है इनका, अली गुरशप, इनको दूसरा सिकंदर भी कहते हैं, जहां सिकंदर सानी के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। और आपको पता है इनकी तीन तीन लोगों की कहानी, अलाउद्दीन खिलजी जो है, पद्मावती, रानी पद्मावती और राणा रतनदेव जी, तो इन तीनों की कहानी लिखी गई है पद्मावत पुस्तक में, और पद्मावत पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने,
मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, ये ध्यान रखना, शेरशाह सूरी के टाइम पे लिखी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम है, डेट इज मलिक कफूर, जिसे हम हजार दिनारी के नाम से जानते हैं। साउथ के अंदर, दक्षिण के अंदर एक्सपेडिशन जो है वो करता है, और वहां का एक राजा है प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव राजा है वारंगल का राजा, ठीक है। तो वहां से ये क्या लेते लेके आता है, कोहिनूर हीरा। मलिक कफूर कोहिनूर हीरा लेता है और किसको दे देता है, किसको, अगेन अलाउद्दीन खिलजी को लाके दे देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म बहुत ज्यादा किए हैं, 4 ऑर्डिनेंसेस इशू करी थी, और इन्होंने बोला था दैट इज किंगशिप नोस नो किनशिप, मतलब राजा अगर बनना है तो ऐसा नहीं उसका बेटा ही होना जरूरी है, जिसमें दम होगा पूरे वंश को संभालने के लिए वो राजा बन सकता है, क्लियर। और इन्होंने दाग सिस्टम स्टार्ट किया था। दाग का मतलब क्या है, घोड़ों के ऊपर स्टैंप लगाते थे, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस करते थे, और चेहरा और हुलिया सिस्टम, मतलब सोल्जर को देख के उसका रोल नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से लगता था। सो ये सारी चीजें इन्होंने स्टार्ट कराई। अलाउद्दीन खिलजी ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को फॉलो किया था, जो बलबन की पॉलिसी थी उसी को आगे उन्होंने फॉलो किया था। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय, अभी आपको मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया था, सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय, यस जी, सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय द लॉर्ड सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिक। कहां पे बेंटिक, ये तो ये इसके बारे में मैं सारा डिस्कस कर चुका हूं, बाकी पढ़ते हैं। वॉरेन हास्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जहां पे इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट को पहली बार खत्म किया था, ड्यूअल गवर्नमेंट खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट बनाई थी इन्होंने कहां पे, कलकत्ता में, जिसे हम फेडरल कोर्ट कहते थे, 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में बनी थी, ये ध्यान रखना। लॉर्ड वेलेस्ले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने बात करी थी सब्सिडरी अलायंस की, और इनमें जो पहली स्टेट कैप्चर करी गई थी दैट वाज हैदराबाद, लॉर्ड वेलेस्ले ने, क्लियर हो गया आप लोगों को। लॉर्ड डलहौजी ये भी डिस्कस कर चुके हैं, सतारा पहली जो कैप्चर करी थी स्टेट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, और डेट इज उसके बाद जो है इन्होंने 34 किलोमीटर की ट्रेन रन करवाई थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। रुड़की द इंजीनियरिंग कॉलेज, शिमला द समर कैपिटल ऑफ इंडिया, सब कुछ इन्होंने बनवाया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसके साथ रिलेटेड 10 क्वेश्चन आगे हमारे पेपर में, और हमें 10 के 10 आते थे, और 10 के 10 में 10 एक्सप्लेनेशन और आती थी हमें। तो इट मींस आपको इस तरीके से पढ़ना होता है चीजों को लिंक करके। अगर आप चीजों को लिंक कर रहे हैं ना, तो एग्जामिनर जितना मर्जी क्वेश्चन पूछता जाए आपको, इधर से उधर, उधर से इधर, तो सारी चीजें आपको पता लगती रहेंगी। समझ आया आप लोगों को, तो ध्यान रखना इस चीज का, पढ़ना ऐसे ही होता है आपको, सती प्रथा। चलिए जी, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी के साथ हुई थी जी, PWD ये वो सब चीजें, ठीक है, बहुत सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी के साथ जो है किसने करी थी, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी के साथ किसने करी थी। सॉल्ट सत्याग्रह नमक का सत्याग्रह, दांडी मार्च भी इसको कहते थे, क्लियर, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट भी इसको कहते थे, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये गया था, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में, टोटल 24 दिन का इनका वो पूरा कवर हुआ था, 240 माइल्स ये रास्ता था आपका, ठीक है, और 385 किलोमीटर था। और गांधी जी के साथ लोग कितने थे, टोटल 78 और प्लस 1 गांधी जी, डेट मीन 79 पीपल वर देयर, क्लियर हो गया आप लोगों को। और इनके साथ कौन थे, डेट इज सरोजिनी नायडू जी। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सरोजिनी नायडू, आंसर इज डी, सरोजिनी नायडू जो है, जिनके हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और भारत कोकिला, और प्लस पहली इंडियन फीमेल जो चेयरपर्सन बनी थी आपकी INC की, पहली इंडियन विमेन चेयरपर्सन INC की 1925 कानपुर सेशन में। अदरवाइज पहली विमेन चेयरपर्सन कौन बनी थी, 1917 में एनी बेसेंट, जो आयरलैंड से आई हुई थी। क्लियर हो गया आप लोगों को, तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यस आंसर नंबर 4, समझ आया आप लोगों को, आंसर नंबर 4। अब सरोजिनी नायडू जी के बारे में मैं याद करता हूं, तो मुझे 3-4 फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखते हैं, नजर आते हैं आपकी हिस्ट्री में। सरोजिनी नायडू जी ने 1916 का जो लखनऊ पैक्ट बोला गया था, इसको बोला था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, ये एक पैक्ट है, और इसके जो अम्बेसडर हैं वो कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं अम्बेसडर हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, 1916 के लखनऊ पैक्ट के लिए उन्होंने बोला था, क्योंकि ये पैक्ट उन्होंने करवाया था, किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू जी की बात करते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
उसमें विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट किसने किया था, दैट इज सरोजिनी नायडू जी ने। अदरवाइज आईएनसी की साइड से तो गांधी जी गए थे, लेकिन विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली कौन थी, सरोजिनी नायडू। और आजाद भारत की यूपी की पहली गवर्नर बनी थी फीमेल गवर्नर। तो ध्यान रखना ये सारे फैक्ट आपको। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एनी बेसेंट के बारे में बता दिया मैंने वहां पे। होम रूल लीग इन्होंने स्टार्ट करी थी 1916 में और इनके हेडक्वार्टर कहां पे थे, मद्रास अदियार में। इससे पहले जो है होम रूल लीग किसने स्टार्ट करी थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने, जिन्होंने हेडक्वार्टर बनाए थे महाराष्ट्र पुणे में बनाए थे। समझ आया आप लोगों को। और एनी बेसेंट 1917 में आपका कलकत्ता सेशन को चेयर करने वाली पहली विमेन पर्सन। और जो है एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी स्टार्ट किया था कहां पे, बनारस में, जो बाद में जाके बना था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। और ये बनाया था डेट इज महामाना, जिसे हम मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं, तो इन्होंने बनवाया था। सो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सरोजिनी नायडू। क्लियर, सो शी वॉज अ सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला। चलिए जी अगला आंसर बताइए। हु क्वाइंड द टर्म पाकिस्तान। पाकिस्तान जो वर्ड है ये किसने दिया था। पाकिस्तान वर्ड बहुत नामों से जुड़ा हुआ है। पी ए इज पंजाब, के इज कश्मीर, एस आई इज सिंध, टी ए एन इज बलूचिस्तान। मतलब क्या हो गया कि ये सारे इलाकों को जोड़ के इन्होंने पाकिस्तान वर्ड दे दिया। ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, दैट इज चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने ये वर्ड यूज किया था। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दे दी थी कि हाँ हमें इंडिया और पाकिस्तान चाहिए। टू नेशन थ्योरी 1939 में दी थी। क्लियर, ये ध्यान रखना। और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर रेजोल्यूशन पास कर दिया था 1940 में कि हाँ हमें तो पाकिस्तान ही चाहिए। पाकिस्तान इन्होंने टर्म यूज कर दी ऑफिशियली यहाँ पे। समझ आया। और यहाँ पे फजलुल हक नाम लिखा हुआ है। ये पर्सन वो है जिन्होंने बहुत पहले बोला था कि जितने भी मुस्लिम प्रोविंसेस हैं उनको इकट्ठा कर दीजिए, अलग कर दीजिए। अलग करने का मतलब क्या है कि वहां पे मुस्लिम लोग रहेंगे। ठीक है, वो एक्चुअली वो लोग कहाँ पे रहेंगे, यही इलाके थे वो। ठीक है, बस इन्होंने टर्म नहीं दी थी, पाकिस्तान वर्ड ने यूज किया था, बट इन्होंने बोल दिया था कि हाँ जो मुस्लिम एरिया है, जब मुस्लिम लोग हैं उन एरियाज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी होनी चाहिए, ये वर्ड यूज किए गए थे। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 4 That is पाकिस्तान। चलिए जी, सो गाइज ये थे क्वेश्चन हमारे आज के लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,42,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। कोई पेपर होता है, एग्जाम होता है, तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। समझ आया। और मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स, ऐसे जीएस कोर्स। अगर आप ऐसे ही जिस तरीके से आज हमने एमसीक्यू फॉर्म में पढ़े हैं, हिस्ट्री की फॉर्म में पढ़े हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़े हैं हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जितने भी टॉपिक्स आते हैं हमारे जीएस के अंतर्गत, तो अगर आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स। और आज इस कोर्स के अंदर जो है आपको डबल वैलिडिटी ऑफर भी देखने को मिलेगा। डबल वैलिडिटी ऑफर का मतलब यहां पे ये है कि अगर आप इस कोर्स को एक साल के लिए परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज जो है डबल हो जाएगी। मतलब सेम प्राइस के ऊपर, सपोज करो कि आपने 1,000 रुपया का कोर्स लिया तो वो ऑटोमेटिकली 2 साल के लिए हो जाएगा, अगर वो 1 साल के लिए है। समझ आया। और इसमें एक कूपन कोड लगा लेना VIPAN30, तो आपको और भी डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा VIPAN30 कूपन कोड यूज करके। समझ आया। जीएस कोर्स की बात करते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें हमने इसमें स्टडी करी है, तो ये कूपन कोड लगाना यहां पे जीएस कोर्स में। ठीक है। और इन कोर्सेज को आप कहां से लेंगे, दो जगह से, स्टडी IQ ऐप पे लेंगे और हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करते हैं तो आपको नजर आएगा यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना। जैसे ही आप दबाएंगे जीएस कोर्स तीसरे नंबर पे दिखेगा और 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करें। क्लियर। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये अपलोड कहां पे होता है, 10,000 एमसीक्यू कोर्स में। इसका लेवल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का मैं पहले रखता था, अब मैं हर एग्जाम के लेवल का मॉक टेस्ट यहां पे डालता हूं। हो सकता है कि मैं आज भी मॉक टेस्ट यहां पे डालूं। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें 10,000 में आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, स्टैटिक जीके, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को आपको मिलेंगी। क्लियर। कुछ भी डाउट होता है, कोई भी चीज आपने मेरे से पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्लियर। आज भी मैं बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाला हूं हमारे पेड कोर्स के अंतर्गत। सो बस बने रहें, पढ़ते रहें, एंड गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।